तो कुछ भी आप कर रहे हो ये सारे रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं, और जब बर्बादी होती है शेयर मार्केट की तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है रिटेल इन्वेस्टर। कि सत्यम कंप्यूटर ने कैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लूटा था और क्या अभी के सीन से उसकी सिमिलरिटी है, पहले हम ये सारी चीजें समझते चलेंगे, लास्ट में डायरेक्टली आपको जो सिमिलरिटी है वो समझ में आने लगेगा कि भाई अभी वाली केस में क्या चल रहा है। तो कंपनी ने फेक प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया जो धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपके मन में सवाल आएगा, लोग लॉस दिखाते हैं, टैक्स बचाते हैं, ये आदमी फेक प्रॉफिट क्यों दिखा रहा था। अब देखिए किस तरीके से नेताओं का नेक्सस होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का इनाम दिया जाता है उसके एक महीना बाद, जनवरी 2009 में, अगर मैं थोड़ा डेट सही नहीं बता रहा हूं आप देख लेना, एक आध महीने का ही डिफरेंस होता है, एक या दो महीने का, जब इनको यंग एंटरप्रेन्योर का इनाम दिया जाता है उसी के बाद ये भाई साहब पूरी चीजें, पूरा चिट्ठा इनका खुल जाता है। अब आप सोचोगे कि भैया इसमें नेताओं का क्या नेक्सस है। अच्छा, इसके पहले वाले जो केस हमने डिस्कस किया उसमें तो भाई साहब आपको लगेगा कि खूब मेहनत किए, 91 से लेके 2008 में बस्ट हुआ, मतलब उनको इतना टाइम लगा ये सारी चीजें करने में, सीट बनाया, अकाउंट बनाया, फेक लोग बनाया, फेक कंपनी बनाया, इस तरीके से पैसा कमाया। इन्होंने कहा यार देखो हमको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, हमको जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना है। तो इन्होंने क्या किया भाई, अब हमारे अल्टीमेट तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये जो फ्रॉड लगा है यहां पे क्या हो सकता है, और प्रीवियसली जो दो केस हमने डिस्कस किया है उससे इसका क्या रिलेशन है, और क्या ये फ्रॉड सही अप्रूव हो सकता है। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, पर इससे पहले भी आपने देखा कि कुछ इस तरीके की सीन चल रही थी। ठीक है, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है 50,000 करोड़ का, सोच रहा हूं कि 40,000 करोड़ रुपया आपको दे दूं, बाकी 10,000 करोड़ थोड़ा चिंदी बाकी दूसरी पार्टी है उनको भी बांट दूंगा, नहीं तो वो हो अल्लाह करेंगी। अब जो जांच एजेंसी है मान लो वो पकड़ लेती है, तो ये कहेंगे भैया वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला 10,000 करोड़ दिया था आपको, देखो ये आपके अधिकारी आए हैं परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा कहां डाल दिया और किस पर्पज के लिए लिए थे। अब सरकार की तरफ से फोन आएगा, अधिकारी क्या करेगा, चुप मार जाएगा, या फिर छोटा मोटा मैटर हुआ तो ये कहते हैं कि यार मतलब क्यों जाए सरकार के पास, या सरकार खुद ही कहती है यार कि दे दो उसको भी 10 लाख 20 लाख दे दो यार, वो भी नौकरी किया है, यूपीएससी की तैयारी किया, इसी दिन के लिए तो किया है कि कुछ फ्रॉड पकड़ेगा, कुछ वो भी कमाएगा, उसके भी बच्चे भी फ्लरिश करेंगे। तो यहां पे हम उम्मीद करते हैं कि भाई वो वाली हिस्ट्री भी रिपीट ना हो और कोई नई हिस्ट्री क्रिएट ना हो, कि ये भी भरोसा हमारा टूट जाए कि बैंक ये जो गारंटी देता है कि आपका पैसा हम देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैंक वो भी मना कर दे कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो, लास्ट में वो भी समझेंगे किस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या होगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज है संडे। संडे टॉक में हमारा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। हालांकि इस टॉपिक पे चर्चा के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए, पर खैर ठीक है, अभी चर्चा हो रही है तो मैं कुछ और पर्सपेक्टिव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या, क्या ये फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड हुआ तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्या इससे पहले भी इस टाइप के फ्रॉड हुए तो किस सिक्वेंस में हुए, उसमें पहले क्या क्या हो गया था, फिर उस फ्रॉड में और अभी जो आरोप लगे हैं या ब्लेम लगे हैं अडानी ग्रुप में, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी है, क्या सेम रास्ते पे जा रहे हैं दोनों, इन सारी बातों को समझेंगे। पर उससे पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि देखो भैया हमारा और हमारे खानदान का दूर दूर तक शेयर मार्केट में कोई नाता नहीं है, तो शेयर मार्केट चले रुके, क्रैश हो या बंद हो जाए, ताला ही क्यों ना लग जाए, हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारा कुछ डूबने वाला नहीं है, तो हमको क्यों इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्यों इस बात को जानना चाहिए, सुनना या समझना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं पहले बता देता हूं फिर समझाता हूं कि हमारे देश में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिसका डायरेक्ट लिंक शेयर मार्केट से नहीं है। यह बात मैं अभी आपको समझाता हूं क्यों कह रहा हूं। इस बात को समझने के लिए इन्वेस्टर समझ लीजिए पहले कि क्या होते हैं। ब्रॉडर वे में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, अगर हम शेयर मार्केट के सेंस में लेके चले तो वो इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में अपना पैसा अपने ओन रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं। अब वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट खोल के खुद अपने मर्जी से शेयर खरीद रहे हैं, कई बार लोग अपने नाम से डीमेट अकाउंट लेते हैं, परिवार के नाम से लेते हैं, पर खुद उतना नॉलेज नहीं होता है तो एजेंट पकड़ लेते हैं। एजेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, बहुत सारी कंपनी खोल रखी है जो आपको टिप देती है कि ये खरीदो ये बेचो, इस टाइम खरीदो इस टाइम बेचो। तो कुछ भी आप कर रहे हो ये सारे रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं,
और जब बर्बादी होती है शेयर मार्केट की तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है रिटेल इन्वेस्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमारे देश में इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है आप भी नहीं करते हो, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में थोड़ी लिटरेसी कम है तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं इकोनॉमिक्स की, तो बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, मतलब इन्वेस्टमेंट का काम ही नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो रिटेल में भी इन्वेस्ट करते होंगे। दूसरा जो इन्वेस्टर होता है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हमारे देश के बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हो गई, हमारी LIC हो गई, हमारी जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें जो पैसा जाता है उसमें लगाए हो गए होते हैं फंड मैनेजर, वो पैसा भी फंड मैनेजर कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, वहां से जो रिटर्न आता है उसी रिटर्न के बेसिस पे आपके रिटायरमेंट के बाद डिसाइड होता है कि इतना रिटर्न आया है, इतना पैसा आपने पे किया है, इतना रिटर्न का हो गया तो इतना पैसा टोटल आपको मिलना चाहिए। अब शेयर मार्केट अगर क्रैश होता है तो ये समझ लो कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं जनरली नेशनल पेंशन स्कीम में वही होते हैं, कोई भी जा सकता है पर मेजोरिटी मान के चलो वही होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो दूसरे जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि भैया जब डायरेक्ट मतलब इनको भी वही डालना है तो हम खुद ही डाल लेंगे। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है हमारे देश में, अब काफी सारे लोग करने लगे हैं, पर अभी भी बहुत सारे जनसंख्या ऐसी होगी जो म्यूचुअल फंड में भी जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पर एक बात आप जरूर मानोगे कि हमारे देश में हर वो आदमी जो इतना कमा लेता है कि उसका पेट भर जाए और थोड़ा पैसा उसका बच जाए, वो पैसा वो बैंक में डालता होगा, क्योंकि बैंक एक सिक्योरिटी देता है कि देखो भैया हमको जितना पैसा आपने दिया है वो पैसा मैं आपको रिटर्न करूंगा, बाकी जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताए हैं वो ये सिक्योरिटी नहीं देते हैं, वो रिटर्न के बेसिस पे फंक्शन करते हैं, रिटर्न ज्यादा आया तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, नहीं आया कम आया तो कम मिलेगा, जीरो आया तो जीरो मिलेगा, नेगेटिव आया तो आपका भी पैसा डूबा, ठीक है। पर बैंक ये काम नहीं करता, बैंक कहता है आप जितना पैसा हमको दोगे हम उतना तो आपको देंगे ही देंगे, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। हालांकि इस बात पे अभी क्वेश्चन मार्क है कि जो लोग बैंक में पैसा रख रहे हैं और जो इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें जो इन्फ्लेशन है अगर इनका सम करें तो क्या हमारा जो टोटल अमाउंट है वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में ये नेगेटिव में था क्योंकि जितना बैंक रिटर्न देता है इंटरेस्ट देता है उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन था। दिसंबर की बात कर ले 5.7 इन्फ्लेशन था, इसके पहले 7 से ऊपर चला गया था, और कोई बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट नहीं देता है सेविंग अकाउंट पे, फिक्स पे भी नहीं देते हैं, कोई कोई सीनियर सिटीजन को दे देता है भाई 8% के पास, बाकी सारा 3% से लेकर 6% के बीच ही देते हैं। तो एक तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि भैया आपका बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ नहीं रहा है, खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है। अब वो लोग कहेंगे कि भैया जो पैसा बैंक में हमने जमा किया हमको क्या शेयर मार्केट से लेना देना है, हम यही उम्मीद करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो। आप कहोगे हिस्ट्री कब बन गई, कुछ टाइम पहले साल दो साल पहले आपने न्यूज देखे थे कि कुछ बैंक में रिस्ट्रिक्शंस लगे थे कि आप अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहे थे, हालांकि वहां पर रीजन कुछ अलग थे, पर ठीक है किसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जब क्रैश करता है तो ये सारी चीजें आती हैं। तो यहां पे हम उम्मीद करते हैं कि भाई वो वाली हिस्ट्री भी रिपीट ना हो और कोई नई हिस्ट्री क्रिएट ना हो कि ये भी भरोसा हमारा टूट जाए कि बैंक ये जो गारंटी देता है कि आपका पैसा हम देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैंक वो भी मना कर दे कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं हम नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो, लास्ट में वो भी समझेंगे किस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या होगा तो ये भी हो सकता है, ठीक है। खैर ये सारी बातें हैं, मतलब इन शॉर्ट हर आदमी चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली नहीं, सभी लोग डायरेक्टली ही इंक्लूड हैं, कुछ लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्टली अपने रिस्क पे डालने हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, बैंक ने भी इन्वेस्ट किया है, LIC ने भी इन्वेस्ट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम वाला, म्यूचुअल फंड वाला, ये सारा पैसा लोगों का ही है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, हाँ आपके बिहाफ पे किया है, वो देखते हैं, आपको टेंशन नहीं रहती है, और चूंकि सब कुछ ठीक चलता रहता है तो आपको आपका रिटर्न भी मिल जाता है, आप भी खुश रहते हो तो दिक्कत भी नहीं होती है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब अभी जैसे संकट आते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और संकट को समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि भैया ऐसा क्या क्या हुआ था। पर उससे पहले अगर आप कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हो तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप पूछ सकते हो, बाकी डायरेक्टली जुड़ भी सकते हो इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे, ठीक है। पहली केस स्टडी है हमारी सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैंडल। सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च करके एक बार पढ़ लेना। इससे पहले मुझे लगता है कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी पढ़ा रहा था ऐप पे, तो वहां पे मैंने इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था, पर यहां पे हम डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि सत्यम कंप्यूटर ने कैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लूटा था।
और क्या अभी के सीन से उसकी सिमिलरिटी है। पहले हम ये सारी चीजें समझते चलेंगे, लास्ट में डायरेक्टली आपको जो सिमिलरिटी है वो समझ में आने लगेगा कि भाई अभी वाली केस में क्या चल रहा है। सत्यम कंप्यूटर एक कंपनी बनाई गई थी रामालिंगम राजू, उसके डायरेक्टर या चेयरमैन या सर्वे सर्वा जो कहना है कह लीजिए। कंपनी 1987 बनाई गई थी, 1991 में इसको बीएससी में लिस्ट कर लिया गया। इसके बाद कंपनी आईटी कंप्यूटर ये सारे काम करती थी, आईटी सेक्टर की बाद में बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी 2008 के आसपास। कंपनी का इवैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, पर वो जो इवैल्यूएशन था वो एक्चुअल में था नहीं, वो सारा फेक था। कंपनी कर क्या रही थी, जो काम कर रही थी उससे जो प्रॉफिट आ रहा था वो किसी को पता नहीं, पर कंपनी ने क्या किया, फेक प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, कंपनी बता रही है मुझे प्रॉफिट हुआ है 50,000 करोड़ रुपए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लास्ट में आपको स्टैटिस्टिक्स भी दिखा दूंगा कि कंपनी अपने अकाउंट में क्या दिखाती थी और एक्चुअल में था क्या। तो कंपनी ने फेक प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया जो धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपके मन में सवाल आएगा, लोग लॉस दिखाते हैं, टैक्स बचाते हैं, ये आदमी फेक प्रॉफिट क्यों दिखा रहा था। फेक प्रॉफिट इसलिए दिखा रहा था कि जब वो फेक प्रॉफिट दिखाता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं कई बार वो जानबूझ के इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लेके घालमेल कर लेते हैं, कई बार उनको पता नहीं रहता है तब इन्वेस्ट कर देते हैं। पर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास ऐसा कोई टूल्स नहीं होता है कि वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जब तक वो कोई फेक केस रजिस्टर ना कर ले तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता है। और जब कंपनी प्रॉफिट दिखाती है तो उसके शेयर के प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लोगों को लगता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मेरा भी पैसा जाएगा वहां पे, बढ़ेगा। इसी पर्पज से ये जो भाई साहब हैं, ये बीकॉम होल्डर थे, जो राजू साहब हैं जो चेयरमैन थे, और इनको खूब फेक बैलेंस शीट, फेक अकाउंट, फेक कंपनी, फेक एम्प्लॉई, ये सारा क्रिएट करना खूब आता था। इन्होंने उसका खूब यूज किया और कंपनी को फेक प्रॉफिट दिखाया, कंपनी के नाम पे खूब कैश दिखाया कि कंपनी के पास, चलो जो कंपनी की वैल्यूएशन है कंपनी के पास खूब कैश भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बस वैल्यूएशन ही है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है जो कि फेक था, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सारे जो सीट थे ये देखते कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते जा रहे थे, लोग और इन्वेस्ट कर रहे थे। फेक सैलरी भी दिखाते थे भाई साहब। अब चूंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, इनके भी शेयर हैं, वो प्राइस बढ़ रहा है, और कंपनी के फेक सैलरी के नाम पे ये भाई साहब कम से कम 15-16 करोड़ रुपए, मतलब 1300 फेक आदमी दिखाए थे इन भाई साहब ने, कंपनी के फेक इंप्लॉई जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बस पेपर पे थे, उनके सैलरी के नाम पे 13-15 करोड़ रुपया, ये मैं बात बता रहा हूं 2008 की, 13-15 करोड़ रुपया हर महीने ये निकाला करते थे उनको पैसा देने के लिए, और वो पैसा वो सीधा सेल कंपनियों में या फिर जो ऐसी कंट्री हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, आगे हमने सेल कंपनी भी बताऊंगा आपको, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, वहां पे डाल दिया करते थे, मतलब धीरे धीरे बाहर निकालो वो पैसा, ठीक है। अब आप कहोगे यार बड़ी जो कंपनियां होती हैं, हमने सुना है कि उनका ऑडिट करवाया जाता है, कई बार थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाता है, और जब वो पैसा लेने जाते हैं बैंक से तब भी उसका ऑडिट होता है, बैंक ये देख के पैसा देता है कि क्या कंपनी जो डॉक्यूमेंट दिखा रही है क्या वो फेक है, ठीक है, या फिर जो दूसरे इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी ऐसे ऑडिट कंपनियों पे भरोसा करते हैं जिनका खुद का अपना एथिक्स है, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, क्या ये आदमी ऑडिट नहीं करवाता था, क्या ऑडिट में नहीं पकड़ा गया। तो ये एक कंपनी है जो प्राइस वेयर हाउसेस के नाम से थी, ये कंपनी से ये ऑडिट भी करवाते थे भाई साहब, और ये कंपनी पे भी ब्लेम लगा था कि ये कंपनी भी मिली भगत की थी, इसने भी ऑडिट में कुछ ऐसा दिखाया नहीं कि कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट दिखाया है वो एक्चुअल में प्रॉफिट है नहीं, इसने भी ऑडिट में सब बता दिया ठीक ही ठीक है। बाद में इसके ऊपर बैन भी लगा था, फाइन भी लगा था, सेबी ने इसके ऊपर बैन भी लगाया था कि अब आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। यूएसए की कंपनी थी एक, अभी भी जो बवाल चल रहा है वो यूएसए की कंपनी की वजह से ही चल रहा है, ठीक है, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मान लो यही कंपनी है, हो सकता है ये कंपनी ने उस टाइम पे इसके ऑडिट में पकड़ लिया हो कि आप ये चीजें फेक दिखा रहे हो, और कंपनी और इसके बीच में ऑडिटर के बीच में डील हो गई हो कि भैया देखो तुम ये बाहर ना बताओ किसी को, बाहर कहो कि हमारे कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक बात है, कोई बात नहीं, लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करते रहेंगे, हमको इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना वो मिलता रहेगा, मैं तुमको इतना दे देता हूं, तुम चुप मार के पड़े रहो। तो ऐसा था कि भैया ये चुप मार के पड़े रहे,
बिल्कुल ऐसा था कि ये चुप मार के पड़े रहे पैसे लेके और बाहर बताया नहीं। सबको लगा कि भाई ऑडिट तो हो ही रहा है कंपनी में और ट्रस्टेड कंपनी ऑडिट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटेलर भी इन्वेस्ट करते रहे, कंपनी ओवर वैल्यूड भी होती रही, फेक प्रॉफिट भी आता रहा और एक टाइम पे कंपनी के शेयर कुछ नहीं तो 124% के आसपास बढ़ गए। ठीक है, बहुत जल्दी, एक कुछ टाइम की बात मैं बता रहा हूं, कुछ सेशन में कंपनी के शेयर मतलब इतना बढ़ गए, लगातार बढ़ते रहते थे पर ये सडन ग्रोथ हुआ कंपनी में। जब इतना ग्रोथ सडनली आया तब भाई साहब को लगा कि अब एकदम सही टाइम है, पैसा वैसा लेके निकल लो। तब इन्होंने कहा कि हमारा मन कर रहा है, कंपनी के बोर्ड से कहा कि हमारा मन कर रहा है एक रिटेल कंपनी परचेज करने की, जो पहले से जिसके डायरेक्टर भी यही थे, पर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और वहां से बवाल स्टार्ट हुआ और वही बवाल से ये जो पूरा फेक इनका साम्राज्य चल रहा था वो बस्ट कर गया, मतलब खुल गया। अगर ये पैसा पूरा वहां डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते तो शायद कुछ टाइम और बचे रहते, पर चूंकि इन्होंने सोचा कि भैया अब एकदम सही टाइम है, सब कुछ शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है, अब ऐसा करो कि यहां का पैसा निकाल के जो भी मेरे रिलेटिव दोस्त मित्र भाई बहन जितने के पैसे हैं मेरे खुद के, सब पैसा किसी और कंपनी में डालो और इसको बाद में कह देंगे, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती ना पैसे लेके बोल देती हैं भैया दिवालिया हो गए, कुछ जुगाड़ इनका रहा होगा, पर वो तो हुआ ही नहीं। उससे पहले इनका जो फेक अकाउंट ये सब चल रहा था, फेक सैलरी, फेक अकाउंट, फेक प्रॉफिट, फेक कैश, वो सब बस्ट हो गया और कंपनी रातों रात डूब गई। जितने इन्वेस्टर थे, जितने रिटेल इन्वेस्टर थे, सबके पैसे डूब गए। मतलब ये कहा जाता है कि 2010 तक ये कारपोरेट का सबसे बड़ा फ्रॉड था। मतलब भाई साहब 7,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक का इन्होंने फ्रॉड मार दिया। उसके बाद तो मेहुल चौकसी वाला फ्रॉड आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट आपको समझ गया कि किस तरीके से जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं वो ओवर वैल्यू किए जाते हैं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या पता है भाई कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिखा रहे हैं। बताओ, फेक बैलेंस शीट बना लिया आदमी, फेक अकाउंट खुलवा लिया, फेक स्टेटमेंट तक बना लिया, फेक सैलरी तो बना ही रहा है, बैंक के जो स्टेटमेंट होते हैं वो फेक बना लिए किसी को दिखाने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिखाने के लिए। अब आप सोच के देखो कि अगर यहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनकी मिली भगत नहीं रहेगी या वो खुद पैसा नहीं खाएंगे तो क्या ये चीजें पकड़ी नहीं जा सकती कि एक आदमी कंटिन्यूअसली, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ये भाई डेटा देखो आप कितना फेक अकाउंट दिखाते थे ये भाई साहब। 2007 में इन्होंने दिखाया था कुछ 54,000 करोड़ रुपया, कितना कंपनी का वैल्यूएशन था 4,800, डिफरेंस कितना आता है 49,000। इतना फेक बैलेंस दिखाना मतलब हवा हवाई चल रहा। आप सोच के देखो कितना बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड चल रहा है और ये बिना नेता, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस के चल पाएगा? कभी नहीं चल सकता है। ठीक है, सब वो एक मीम्स नहीं चलता है कि सब मिलके हमारा चूतिया काट रहे हैं, बस वैसा ही होता है हर जगह पे। मतलब कटता अल्टीमेटली जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास कुछ ऐसे टूल्स नहीं होते हैं कि वो पता कर पाए कि कौन सी कंपनी सच में ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी पेपर पे ग्रो कर रही है। वो बेचारा अपना पैसा लालच में लगा देता है कि थोड़ा बहुत मैं भी कमा लूंगा और अपना घोर मेहनत पसीने की कमाई डुबा देता है। देखिए इन भाई साहब का कंटिन्यूस देखिए, यहां पे इन्होंने कितना दिखाया, एक्चुअल कितना था, डिफरेंस ये जो है ना, ये डिफरेंस दिखा रहा है, ये इनका एक्चुअल दिखा रहा है। तो एक्चुअल आप सब जगह देखो, यहां पे देखिए 85,000 करोड़, 4,000 करोड़ डिफरेंस देख लीजिए, यहां पे देखिए 1,27,000 करोड़ पे पहुंच गए। ये वो टाइम है जब ये थर्ड नंबर की सबसे बड़ी इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई थी, इंफोसिस टीसीएस के बाद ये सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ठीक है भाई, एक्चुअल में कितना है कंपनी के पास, 2,000 करोड़ रुपी, ये देखिए डिफरेंस देखिए। फिर यहां पे देखिए 1,01,78,000 करोड़ रुपीज, यहां पे देखिए कितना है, और यहीं पे भाई साहब का नेक्सस फूट जाता है। एक सरप्राइज और है यहां पे, दिसंबर या नवंबर 2008 में इन भाई साहब को दिया जाता है यंग एंटरप्रेन्योर का इनाम। अब देखिए किस तरीके से नेताओं का नेक्सस होता है, यंग एंटरप्रेन्योर का इनाम दिया जाता है उसके एक महीना बाद जनवरी 2009 में, अगर मैं थोड़ा डेट सही नहीं बता रहा हूं आप देख लेना, एक आध महीने का ही डिफरेंस होता है, एक या दो महीने का, जब इनको यंग एंटरप्रेन्योर का इनाम दिया जाता है उसी के बाद ये भाई साहब पूरी चीजें, पूरा चिट्ठा इनका खुल जाता है। अब आप सोचोगे कि भैया इसमें नेताओं का क्या नेक्सस है? देखो होप्स हो कि ना हो, पर किसी भी बिजनेस में अगर बैंक इन्वेस्ट करता है
तो एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या मैसेज जाता है या फिर लोगों को क्या मैसेज जाता है कि भाई बैंक इसमें पैसा लगा रहा है। अब मान लीजिए कल को अनाउंसमेंट हो जाता है, मेरी एक कंपनी है, अब मान लीजिए SBI कहता है कि मैं आपको 50,000 करोड़ रुपया दूंगा। अब बाकी लोगों को क्या लगेगा कि यार SBI इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कंपनी अच्छी होगी, फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, तभी तो SBI इसको पैसा दे रहा है, नहीं तो क्यों देता SBI। तो बाकी लोगों में भी पॉजिटिव मैसेज जाता है, बाकी लोग भी मेरे कंपनी का शेयर खरीदने लगेंगे, मेरी कंपनी ग्रोथ करने लगेगी। इस तरीके से अनाउंसमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ये सारी ट्रस्ट की बात होती है शेयर में। तो जब इनको यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला, इनके कंपनी का शेयर बढ़ गया, भाई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बैंक से लोन लेना है बैंक ले लें, रिटेल वालों को इन्वेस्ट करना है वो कर रहे हैं, इसके अलावा जब बैंक इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइस बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट आप देखो कि सब कुछ हो रहा था, पर इतना फेक अमाउंट दिखाने के बाद भी आदमी पकड़ा नहीं जा रहा था। सोच के देखो कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो क्या खा के सो रही थी। ठीक है, चलिए ये तो इन भाई साहब का हो गया, फिर अल्टीमेटली डूब गए सारा पैसा लेके। अब इनके बारे में क्या हुआ, 7 साल की सजा हो गई, कौन सा बड़ी बात होगी, लोगों की गारे खून पसीने की कमाई खा के भाग गए, मतलब भाग गए इन द सेंस की सजा हुई 2015 में 7 ईयर की, बाकी कुछ फाइन भी हुआ पर बहुत सारा कुछ नहीं हुआ जितना इन्होंने कांड किया। खैर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। अब चूंकि 2010 तक वो टॉप कर रहे थे, उसके बाद ये भाई साहब 14-15 हजार करोड़ रुपया बैंक का लेके भाग गए, तो ये टॉप कर गए। गीतांजलि ग्रुप करके एक कंपनी थी, सोना डायमंड इन सब में व्यापार करती थी, और एक टाइम पे, और देखो आप एक चीज देखो, मतलब आयरनी देखो कि जब कंपनी अपने पीक पे होती है उसी टाइम पे लॉस होता है कि भाई अब ये कंपनी फेक है, एकदम पीक पे होती है। जब सत्यम के साथ भी वही हुआ, जब एकदम वो पीक पे चल रहे थे तब ऐसा हुआ, इनके साथ भी वही हुआ, हालांकि इनके साथ भी पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इनको तो कई बार ब्लैकलिस्ट भी किया गया था कि आप ट्रेड नहीं करवा सकते अपने कंपनी का, फिर भी भाई साहब के बाद में जुगाड़ पानी लगा के मार्केटिंग चलती रही, सब कुछ चलता रहा। जब इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा लगा कि कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है, पैसा इकट्ठा हो गया है, तो लेके उड़ लिए। अच्छा, इसके पहले वाले जो केस हमने डिस्कस किया उसमें तो भाई साहब आपको लगेगा कि खूब मेहनत किए, 91 से लेके 2008 में बस्ट हुआ, मतलब उनको इतना टाइम लगा ये सारी चीजें करने में, सीट बनाया, अकाउंट बनाया, फेक लोग बनाया, फेक कंपनी बनाया, इस तरीके से पैसा कमाया। इन्होंने कहा यार देखो हमको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, हमको जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बैंक से फ्रॉड किया, क्या भाई इन्वेस्टर का भरोसा जीतो, पैसा लोग इन्वेस्ट करें आपके कंपनी में फिर लेके भागो या पैसा डाइवर्ट करो, तो ऐसा करते हैं ना, बैंक का पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इन्होंने बैंक का पैसा ही लेके भाग लिया। इन्होंने कंपनी इनकी भी पुरानी है, 1966 में इनकी भी कंपनी रजिस्टर हुई थी, पर इन्होंने जो फ्रॉड किया बहुत शॉर्ट टाइम में किया, कंपनी इनकी धीरे धीरे चल रही थी, बाद में कुछ 2002 के आसपास इनकी कंपनी बड़ी होती है, मतलब ये होती है कि कंसिडरेबल इनका शेयर मार्केट, मतलब जो शेयर होता है पर्टिकुलरली गोल्ड और डायमंड में वो हो जाता है, 50% तक ये पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे जगह इनके शोरूम हो जाते हैं, ये साहब लोग ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, कंपनी पॉपुलर हो जाती है, एकदम आप कह सकते हो प्रीमियम क्वालिटी के गोल्ड और सोना और ज्वेलरी बना के बेचती है, ये सारा कुछ चल रहा था। तभी पता चलता है भाई साहब कि इन्होंने भाई साहब 14,000 करोड़ रुपया का बैंक से, अलग अलग बैंक से लोन ले रखा है, और वो पैसा ये वापस दे नहीं रहे हैं। अब सोचोगे कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, पहले वाला तो केस अलग है, ये तो अलग दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा ये अलग है, इन्होंने फ्रॉड का तरीका थोड़ा नया निकाला। अब जैसे इनकी एक कंपनी इतने टाइम से चल रही है, ग्रोथ भी कर रही है, दिख भी रहा है, पॉलिटिशियन में नेक्सस भी बन गया है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, अच्छे लोग ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, कंपनी का एक मतलब ट्रस्ट हो गया मार्केट में, सारे लोग जानते हैं। इसके बाद ये जाते हैं बैंक के पास, बैंक से कहते हैं कि देखो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जा रहे हैं, आप हमको पैसा दीजिए, ये बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, दूसरा बिजनेस खोलेंगे, चूंकि ये बिजनेसमैन है, लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट है, लोग जानते हैं, बैंक को भी लगता है, पॉलिटिशियन भी जानते हैं, बैंक को भी लगता है कि भाई कंपनी, बैंक भी सीट उट देखती है इनकी पिछले कंपनी का, हाँ कंपनी ग्रोथ कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बैंक इनको दे देता है पैसा कि ये पैसा आप लीजिए, इन्वेस्ट करिए, एक्सपेंशन करिए, नई कंपनी खोलिए, जो करना है करिए, मतलब हालांकि बैंक पर्टिकुलर चीज के लिए देता है, जिस चीज के लिए मांगते हैं, जैसे मैंने मांगा कि मेरी कंपनी का एक्सपेंशन करना है तो बैंक उसी लिए देगा, नई कंपनी खोलना है तो उसके लिए देगा,
पर बैंक की ये जिम्मेदारी होती है, अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है, ऑडिटिंग कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा एक आदमी एक बिजनेसमैन लेके जा रहा है, क्या जिस पर्पज के लिए वो लेके जा रहा है वही काम कर रहा है, ये देखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो देखते भी हैं, फिर भी फ्रॉड कैसे होता है, क्योंकि दोनों की मिली भगत होती है। तो इनके पास पहले की एक पुरानी कंपनी थी, उसके नाम पे, उसके ट्रस्ट के नाम पे, उसके ग्रोथ के नाम पे इन्होंने बैंकों से, अलग अलग बैंकों से 14 से 15 हजार करोड़ रुपए उठाए। कौन कौन उठाए भैया? एक तो है मेहुल चौकसी साहब, जो बेसिकली गीतांजलि जेम्स के फाउंडर थे, और ये मेहुल चौकसी, इनका भी नाम आपने सुना ही होगा, नीरव मोदी साहब, नीरव मोदी, ये मैटरनल, मतलब ये मैटरनल अंकल थे इनके, और ये कंपनी के प्रमोटर थे। इन्होंने अलग अलग बैंकों से ढेर सारा पैसा उठाया। जब इनको बैंकों ने पैसा दिया तो इनके कंपनी का भी प्राइस खूब बढ़ा। सब लोगों को लगा भाई कि बैंक पैसा दे रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, रिटेलर्स भी पैसा लगाए, दूसरे इन्वेस्टर भी लगाए होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लगाए होंगे, ठीक है, और रिटेलर भी खूब पैसे लगाए यहां पे कि भाई ठीक है कंपनी ग्रोथ कर रही है, सब लोग पैसा लगा रहे हैं, हम भी लगाएं, लालच में रिटेलर भी लगाता है, ठीक है। इनके कंपनी के शेयर के प्राइस भी खूब बढ़े, और जब फ्रॉड आया ये 95% तक घट गए। कितने घट गए भाई? 95% तक, मतलब कंपनी डूब गई। जिन्होंने 100 रुपया लगाया उनके 100 रुपये का प्राइस जिस दिन फ्रॉड आया उसके बाद कंटिन्यूअस ये गिरते गए। अब तो पता नहीं क्या हाल होगा, जीरो हो गए होंगे, बंद हो गए होंगे, वट एवर दैट, ठीक है। तो इनके शेयर का प्राइस भी खूब पड़ा उस टाइम पे। पर इन्होंने जो बैंक से पैसा लिया, अगर जिस पर्पज के लिए लिया होता वहां पे लगाते, कंपनी और ग्रोथ करती, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका भी पैसा बढ़ता, वहां से पैसा कमाते, बैंक का भी पैसा वापस देते। पर ये भाई साहब कहे कि भैया हमको जल्दी फ्रॉड करके निकलना है यहां से, इन्होंने कहा कि पैसा लगाना ही नहीं, इन्होंने सारे पैसे रीडायरेक्ट कर दिए कहां? सेल कंपनियों में। सेल कंपनियां क्या होती हैं भाई? सेल कंपनियां दो पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, एक तो टैक्स सेविंग के लिए और एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो इस केस में आप कह सकते हो कि भैया इन्होंने तो टैक्स सेविंग छोड़ो, इन्होंने तो मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया, सीधा सेटिंग ही कर दिया, ठीक है। टैक्स सेविंग के लिए कैसे? मान लीजिए कि एक मॉरिशस है, दुबई है, ऐसी कंपनी, ऐसी देशों के साथ सिंगापुर है, हमारे देश की ट्रीटी है कि भाई आपके यहां से कोई कंपनी हमारे यहां इन्वेस्ट करती है तो टैक्स में सेविंग होती है। अब हमारे यहां का बिजनेसमैन कमाता है, मान लीजिए खूब पैसा कमा लिया, अब उसको लगता है कि मैं कोई दूसरी कंपनी परचेज कर रहा हूं, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे एक अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? एक सेल कंपनी बनाता है, मतलब सेल मतलब होता है खोखला, मतलब अंदर से खोखली चीज। तो वैसे ही कंपनी भी होती है, सेल कंपनी केवल पेपर पे होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, कुछ नहीं होता उसका, बस पेपर पे बना ली जाती है। सेल कंपनी रजिस्टर कहां पे होगी? सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई, ऐसे में जिनके साथ हमारे देश के टैक्स के को लेके कुछ एग्रीमेंट है कि वहां से कंपनियां आएंगी तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा या कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, पहले यहां का अपना ही पैसा, हमारे देश की कंपनी अपना पैसा पहले उस सेल कंपनी में रजिस्टर करेगी जो कि सिंगापुर में रजिस्टर है, फिर वो पैसा सेल कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करेगी? यहां पे इन्वेस्ट करके। मतलब अल्टीमेटली वो पैसा है किसका? हमारे देश के बिजनेसमैन का है, पर वो सिंगापुर घूम के आया है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता तो उसको टैक्स देना पड़ता। तो कई बार टैक्स सेविंग के लिए ये पैसा उधर से रीडायरेक्ट करके इंडिया में लाया जाता है, कई बार बाहर वाली कंपनी भी उस तरीके से रीडायरेक्ट करके लाती है। कई बार चलो ठीक है, इस तरीके से घूमता रहता है, बहुत होता है, थोड़ा बड़ा गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हो जाता है, पर आम आदमी का लॉस इसमें कुछ खास नहीं होता है। पर एक दूसरी सेल कंपनियां होती हैं जहां पे बस सीधे हवाला वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए खोल लिया गया है, और वही काम इन्होंने किया भैया। ये पूरा का पूरा फंड इन्होंने सेल कंपनियों में डाल दिया जो इनके परिवार के नाम से, इनके बीबी के नाम से, इनके उनके नाम से। ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की थी, जो हमारे एजेंसीज हैं उनकी थी कि भैया जिस पर्पज के लिए पैसा लिए क्या उस पर्पज में डाल रहे हैं या फिर सीधा कहीं और जा रहा है पैसा। अब चूंकि सेल कंपनियों में जा रहा है, इनका पहले से ही मूड है कि भैया हमको नहीं कमाना है, नहीं तुम्हारा पैसा वापस देना है, तो फ्रॉड तो होना ही था। फिर ये बैंक का जो लोन है वो लोन अब नहीं पे कर रहे हैं, मतलब रीपे नहीं हो रहा है। बैंक एक आध साल बर्दाश्त किया, दो साल बर्दाश्त किया, बैंक कई बार उसको एनपीए दे देता है, बैंक एफआईआर करता है। फिर क्या होता है भाई? फिर पता चलता है कि भैया इनके पास तो है ही नहीं, अब तो ये फ्रॉड कर लिए। और जब इनके ऊपर क्रिमिनल केस चले, उससे पहले ये 9-11 हो गए, क्योंकि नेताओं के साथ इनका भी शॉर्टगार्ड होता है, और अब तो शॉर्टगार्ड करना और आसान हो गया है जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है।
अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, कहता है भैया कौन बोल रहे हो, बीजेपी के प्रवक्ता, भैया देखो आपके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए, मतलब आपके अकाउंट में नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा हूं 10,000 करोड़ रुपए का, और मैं सोच रहा हूं कि ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे दूं। तो बोलेंगे दे दो भैया दे दो, बताइए कोई काम होगा तो बताइएगा। का हाँ हाँ इसीलिए फोन किए हैं, थोड़ा काम था आपसे, ये काम हमारा करवा दीजिए। अब पॉलिटिकल नेक्सस बन गया, ये इधर से 10,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, उधर से सरकार जिसकी है वो इनका काम करवाएगा, काम हो जाएगा। अब किस बैंक के पास औकात है, पीएसयू बैंक के पास, कि सरकार की तरफ से फोन आएगा तो वो नहीं करेंगे, या कांग्रेस की सरकार है तो फोन करेंगे, भैया अच्छा कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हो, भैया एक काम था, ये हमने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है 50,000 करोड़ का, सोच रहा हूं कि 40,000 करोड़ रुपया आपको दे दूं, बाकी 10,000 करोड़ थोड़ा चिंदी बाकी दूसरी पार्टी उनको भी बांट दूंगा, नहीं तो वो हो अल्लाह करेंगी, थोड़ा बहुत जो हो अल्लाह करेंगे उनको बांट देंगे, पर ज्यादा पैसा आपको दे रहा हूं, थोड़ा हमारा काम करवाना था। कांग्रेस के प्रवक्ता भी वही कहेंगे कोई बात नहीं, हम हैं, आप टेंशन मत लो, करवा देंगे, आप पार्टी फंड में पैसा दे दो। तभी तो आजकल पार्टियां कह रही हैं भैया कि तुम आओ बिना पैसा का आओ, हम तुमको इलेक्शन लड़वाएंगे। खैर अलग बात है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जानती हो तो अलग से डिस्कशन किया जा सकता है। तो बस यही चल रहा है। अब इन्होंने भैया सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब जो जांच एजेंसी है मान लो वो पकड़ लेती है, तो ये कहेंगे भैया वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला 10,000 करोड़ दिया था आपको, देखो ये आपके अधिकारी आए हैं परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा कहां डाल दिए और किस पर्पज के लिए लिए थे। अब सरकार की तरफ से फोन आएगा, अधिकारी क्या करेगा, चुप मार जाएगा, या फिर छोटा मोटा मैटर हुआ तो ये कहते हैं कि यार मतलब क्यों जाए सरकार के पास, या सरकार खुद ही कहती है यार कि दे दो उसको भी 10 लाख 20 लाख दे दो यार, वो भी नौकरी किया है, यूपीएससी की तैयारी किया, इसी दिन के लिए तो किया है कि कुछ फ्रॉड पकड़ेगा, कुछ वो भी कमाएगा, उसके बीवी बच्चे भी फ्लरिश करेंगे। तो कंपनी कहती है कि ठीक है यार, चलो भैया 5 करोड़ तुम भी पकड़ो, तुम भी निकलो, वो भी लेके निकल लेता है। बैंक का अधिकारी पहुंचता है कि भैया देखो आपने पैसा यहां लगाना था, आपने यहां लगा दिया है। फिर ये कहते हैं या तो ज्यादा डिमांड किए तो फिर सरकार से प्रेशर आएगा, ज्यादा डिमांड नहीं किए, इतना किए कि कंपनी उनको दे सकती है, तो फिर वहां भी शॉर्टकट। आप कहोगे यार आप तो सबको भ्रष्ट बता रहे हो, देखो जहां पे भी फ्रॉड होता है ना वहां पे सारे ही भ्रष्ट होते हैं, एक सिंगल आदमी भी ऑनेस्ट होता ना उस इन्वेस्टिगेशन में तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो फ्रॉड हो ही नहीं पाता। फ्रॉड हो गया तो आप ये एज्यूम नहीं करिए, ये मान लीजिए कि वहां पे जितने लोग इन्वॉल्व थे सारे के सारे फ्रॉड थे, तभी वो चीज पहले बाहर नहीं आई। तो यहां पे या इससे पहले बारे में जितने लोग इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन में, पहले जितने लोगों ने पैसा दिया था वो सारे के सारे ही फ्रॉड थे, सभी ने कमीशन खाया था, इसी वजह से ऐसी चीजें हो जाती है। अब कुछ लोगों को यह भी डाउट हो रहा होगा कि यार ठीक है सेल कंपनी में डाल दिया इसने बैंक का पैसा, पर इससे बैंक का पैसा डूब कैसे जाएगा, सेल कंपनी में तो है ना, उस आदमी को पकड़ेंगे सारा पैसा छीन लेंगे। मैंने कहा ठीक है इसको कुछ ऐसे समझो आप, एक तो वो भाग गया उसको पकड़ भी नहीं सके, खैर मान लो कि पकड़ा भी जाता है कोई आदमी ऐसा काम करता है तो भी पैसा वसूलना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कि मान लो कि मैं 10 लाख का लोन लेके आता हूं एक बैंक से और मैं कहता हूं कि ये लोन दे दो क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकान खोलने वाला हूं जूस कॉर्नर, और मैं जूस कॉर्नर खोलूंगा वहां से पैसे कमाऊंगा आपका पैसा वापस कर दूंगा। बैंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब बैंक देखने नहीं आया कि मैंने 10 लाख दिया तो इसने जूस कॉर्नर खोला कि नहीं खोला, मैंने जूस कॉर्नर खोला ही नहीं, मैंने क्या किया कुछ मतलब अपने बच्चों को मान लो कुछ भी कराने में दवा में खर्च कर दिया, कुछ अपना घर बनवाने में खर्च कर दिया, कुछ बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर दिया, कुछ उड़ाने में खर्च कर दिया, कुछ खाने पीने में खर्च कर दिया, सारा 10 का 10 लाख खर्च कर दिया। अब मान लीजिए बैंक का पैसा तो वापस कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो कमा नहीं रहा हूं, कमा नहीं रहा था इसीलिए बैंक से लोन लिया था। तो ये भी एक तरह का मतलब कह लो सेल कंपनी बना दिया मैंने, कुछ पढ़ाई वाली सेल कंपनी, कुछ दवाई वाली सेल कंपनी, कुछ खाने पीने उड़ाने वाली सेल कंपनी। अब सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कल को बैंक मुझसे पैसा मांगेगा मैं कहां से दूंगा क्योंकि उस पैसे को मैं प्रोडक्टिव तो बनाया नहीं। तो कुछ वैसा ही होता है। अब इन्होंने सारा पैसा अपने परिवार को ट्रांसफर करके परिवार वालों को दे लेके जहां भी विदेश में प्रॉपर्टी खरीदनी थी बनानी थी दूसरे दूसरे नाम पे वो लेके भाग गए। कभी कभार पकड़ा भी जाता है जैसे विजय माल्या के केस में, तो कुछ मान लो प्रॉपर्टी जो बची खुची यहाँ पे उसको सीज कर लेंगे, कुछ रत्ती भर वसूल कर लेंगे, बस इतना ही होता है, पर वसूली 10-20% से ज्यादा हो नहीं पाती, बाकी 80-90% बैंक का पैसा भी डूबता ही डूबता है। चाहे इनका केस हो, चाहे विजय माल्या का केस हो, चाहे और भी किसी बिजनेसमैन का केस हो, रिकवरी तो हो नहीं पाती क्योंकि इनका पहले से मूड होता है कि हमको पैसा तो देना ही नहीं बैंक का, बैंक का ही पैसा लेके भागना है। तो ये लेके भाग गए, अब बैंक को तो लॉस हो गया। बैंक क्या करेगा, अब आम आदमी से फिर से वही तरीका निकालेगा, वही टैक्स वाला कि भाई आम आदमी पे अलग अलग टैक्स लगाओ, पैसा वसूल करो।
गवर्नमेंट कुछ पब्लिक जो बैंक हैं वो डूब रहे हैं तो उनको संभालने के लिए पैसा दे देगी। अब गवर्नमेंट का पैसा है वो भी तो हमारा आपका पैसा है, वो रहता है तो किसी और जगह जाता, सब्सिडी मिलती हमको, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, कहीं पे नहर बनती, कहीं पे स्कूल बनता, कहीं पे पानी आती, कहीं पे गैस आती। फिर गवर्नमेंट उनको जब बैंक को पैसा दे देती है, चूंकि यहां से घाटा हुआ बैंक का तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, आपकी सब्सिडी कट करेगी, आपकी दवाई कट करेगी, आपकी एजुकेशन कट करेगी, आपके एजुकेशन पे फी लगा देगी, आपके एजुकेशन पे जीएसटी लगा देगी, ये सारी चीजें लगा के आपसे ही पैसा वसूल करेगी। मतलब अल्टीमेटली बैंक भी आपसे वसूल करेगा, गवर्नमेंट भी आपसे वसूल करेगी, मतलब ये जो सारा कंपनसेशन होना है वो अल्टीमेटली आपसे ही होना है। सरकार चाहे किसी का भी हो, यहां पे इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ये सरकार है तो ऐसा हो गया, वो सरकार है तो ऐसा हो गया। भाई कोई सी भी सरकार हो, जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो पैसा आपको ही पे करना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई सरकार थोड़ा ज्यादा छूट दे देगी, ज्यादा लीनियंट हो जाएगी कि भाई भाग जाओ कोई बात नहीं, हम लोगों से वसूल कर लेंगे, कोई नहीं भागने देगी, नहीं भागने देगी तो अच्छा है, भागने दे रही है तब तो वो भाई सरकार ऐसी है, आपका पैसा आपसे ही वसूल किया जाएगा। ठीक बात, तो ये इनका भी हो गया। अब हमारे अल्टीमेट तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये जो फ्रॉड लगा है यहां पे क्या हो सकता है, और प्रीवियसली जो दो केस हमने डिस्कस किया है उससे इसका क्या रिलेशन है, और क्या ये फ्रॉड सही अप्रूव हो सकता है। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, पर इससे पहले भी आपने देखा कि कुछ इस तरीके की सीन चल रही थी। ठीक है, अडानी ग्रुप पे ये भी एक हिंडनबर्ग, ये एक बेसिकली रिसर्च कंपनी है, हालांकि यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये खुद जिस कंपनीज के ऊपर पहले ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किस कंपनी में गड़बड़ी हो सकती है, किस कंपनी का गवर्नमेंट के साथ साठगांठ है। जनरली ऐसी कंपनी को टारगेट करते हैं जिसकी शेयर ओवरवैल्यूड है, फिर वो पता लगाते हैं कि अगर ओवरवैल्यू हुआ तो कुछ तो रीजन होगा, लोग उसके ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हैं, सरकार से साठगांठ है क्या, सरकार का प्रोजेक्ट मिल रहा है क्या। और ऑब्वियसली जब कंपनियों का सरकार के साथ साठगांठ होता है तो चीजें एग्जैक्टली फेयर तो नहीं चल रही होती, ये एकदम बेसिक सा चीज है, इसके लिए कोई दिमाग या कोई रिसर्च की जरूरत नहीं होती। आपका भी सरकार के साथ साठगांठ है तो आप भी कुछ सीधे रोड के जाए बताए जंप करना तो चाहोगे, कोई भी जंप करना चाहता है, ठीक है, तो वैसे कंपनियां भी करती हैं। तो ये उन्हीं के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर उनके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उन्हीं का शेयर सेल कर देते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ये वाले भाई साहब, ये वाले तो इनका अपना बिजनेस है, ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारे लिए फ्रॉड पकड़ रहे हैं, ये अपने लिए फ्रॉड पकड़ते हैं कि भाई किसी कंपनी में फ्रॉड पकड़ो, कंपनी का शेयर बाय करने के बजाय सेल करो, कंपनी जितना गिरेगी हमारा उतना प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। तो ये इस फंडे पे काम करते हैं, बहुत सारे कंपनी को पहले टारगेट कर चुके हैं, अब नंबर अडानी ग्रुप का आया है। और अगर अडानी ग्रुप इस पे जितना क्लेरिफिकेशन मांगा गया, अगर वो सारी क्लेरिफिकेशन देती नहीं है और ट्रस्ट नहीं आता है ग्रुप पे, तो कंटिन्यूअसली इसके शेयर के प्राइस गिरते रहेंगे और जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका भी काफी नुकसान होने वाला है। भगवान से दुआ करिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर ये डूबता है तो आप ये मान के चलो कि जो इंडियन शेयर मार्केट है वो जबरदस्त तरीके से क्रैश करेगी, बहुत सारे लोग रोड पे नहीं फुटपाथ पे आ जाएंगे। चलिए, और जो मैं बैंक वाला केस कह रहा था ना कि भगवान ना करें कि कल को बैंक हाथ खड़ा कर दे कि भैया देखो हम आपका पैसा नहीं दे सकते, वो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना कि आप हमको पैसा दो हम आपका पैसा देंगे ही देंगे और उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी देंगे, तब बैंक भी हाथ खड़ा कर देगा कि देखो भाई हमारे पास पैसे की बहुत कमी पड़ गई है, अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि क्या यहां पे बैंक फ्रॉड है, जैसे मेहुल चौकसी वालों ने किया है कि बैंक से पैसा लेके क्या इन्होंने बैंक का पैसा सेल कंपनी में डाला है। हालांकि जो ये रिपोर्ट है ये कहती है कि इन्होंने सेल कंपनी बनाया हुआ है, ये बात सही है, ये जो सेल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने सेल कंपनी बनाया है जहां पे पैसे की हेरा फेरी किया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रूव होगा, उसके बाद पता चलेगा। और अगर फ्रॉड होता है तो प्रूव होने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता है, जो इन्वेस्टर हैं वो डूब जाते हैं, कंपनी वाले भाग जाते हैं, ऐसा होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है। तो रिसेंटली एक चीज मिला है कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने जो सीमेंट की कंपनी खरीदी है, उस सीमेंट की कंपनी में बाहर की कुछ 17 से 18 अब एग्जैक्ट डाटा जो भी हो 17 कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जो अभी सीमेंट का इनका डील हुआ था रिसेंटली उसमें इन्वेस्ट किया है, जो कि बाहर की कंपनी है, जो कि मॉरिशस बेस्ड दुबई बेस्ड कंपनी है, उन्हीं कंपनियों को ये रिपोर्ट सेल कंपनी कह रही है कि वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो कंपनी इन्हीं भाई साहब की कंपनी है, इन्होंने वहां पे सेल कंपनी बनाया हुआ है
और चूंकि टैक्स ना देना पड़े इसलिए इन्होंने अपना पैसा पहले यहां से दुबई भेजा, दुबई में जो सेल कंपनी बनाया, फिर वो कंपनी यहां पे इन्वेस्ट करके जो ये सीमेंट का प्लांट है ये सारा खरीद रहे हैं या फिर दूसरी जगह भी कर रहे हैं। इनका कहना है ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। कंपनी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई सेल कंपनी नहीं बनाया है, हमने कोई भी टैक्स सेविंग के लिए ऐसा नहीं किया है, हमने कोई भी पैसे का रिडायरेक्शन नहीं किया है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो ये है। अब बिल्कुल ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा कि किया है या नहीं किया है। तो ये एक बेस है, सही भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। चलो ये सेल कंपनी अगर मान लीजिए ऐसा सही पाया जाता है कि चलो इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए ऐसा घुमाया है, तो मुझे लगता है भैया मैं तो थोड़ी राहत की सांस लूंगा कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत टैक्स चोरी हो गया, गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा दिया होगा तो थोड़ा बहुत टैक्स चुरा लिया, गवर्नमेंट रेवेन्यू का थोड़ा घाटा हो गया, पर आम आदमी अभी बचा रहेगा। भगवान करे कि मतलब इससे आगे वाला ना निकल जाए कि मतलब बैंकों का पैसा ही सेल कंपनी में डाल दिया गया हो और यहां पे नहीं डाला गया हो जिस पर्पज के लिए लगाया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब ब्लंडर होगा, तब आम आदमी का नुकसान होगा। पर जो रिपोर्ट कह रही है कि सेल कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें मुझे लगता है कि ठीक है चलो टैक्स की चोरी हुई है, वो हो सकता है अगर वो सही प्रूव हो जाए तो टैक्स चोरी हुआ होगा, पर ठीक है मुझे लगता है कि उससे आम आदमी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वो थोड़ा राहत वाली बात होगी। दूसरी बात है कि क्या शेयर ओवर प्राइस है। कंपनी ने कहा है कि अडानी के शेयर ओवर प्राइस है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्लू उन्होंने नहीं बता दिया है। हर आदमी को पता है कि अडानी के जो शेयर हैं वो ओवर प्राइस हैं। जनरली कोई भी कंपनी है अगर वो ग्रोथ कर रही है तो उसके शेयर ओवर प्राइज्ड होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है और सबको लग रहा है कि यार यहां पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है तो सभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जब सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो सप्लाई और बाइंग की वाली थियरी आ जाती है सिंपल, कि बायर ज्यादा है मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं, रिसोर्स तो उतना ही है, मतलब शेयर जितना है उतना ही है, ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये कोई फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है, ये मतलब ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर वैल्यूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ओवर वैल्यूड तो हो ही जाएगा, जब सब लोग खरीदेंगे तो ओवर वैल्यू हो जाएगा। पर वो ओवर वैल्यूड जैसे पहले सत्यम ने किया था, अगर उस तरीके से करके मतलब बैलेंस शीट में हेरा फेरी करके, जो कि इस कंपनी ने ब्लेम किया है कि इनकी जो बैलेंस शीट है, कंपनी के जो बाकी चीजें दिखाते हैं वो गलत है, वो सही नहीं है, अगर वैसे करके किया गया है तब प्रॉब्लम वाली बात है। अगेन वो क्वेश्चन मार्क्स है, जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा, पर हमारे देश में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, रिजल्ट आता है, उसके पहले सब कुछ साफ हो गया होता है और उस इन्वेस्टिगेशन और उस रिजल्ट का कुछ अल्टीमेट फायदा एक रिटेलर को तो नहीं होता है, अब तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। यही दो मेन पॉइंट है। अब नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वैसे भगवान करें, दुआ करिए, आप भी मैं भी दुआ ही कर सकते हैं, दूसरा तो इन्वेस्टिगेशन तो हम कर नहीं सकते हैं, भगवान करें कि ऐसा कुछ ना हो। कई बार होता है, ये भी बात सही है जो कई सारी रिपोर्ट्स कह भी रही हैं, कई बार होता है जेलस के भाव से या कोई कंपनी ग्लोबल हो रही होती है उसके वजह से तो दूसरे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो उसको पीछे खींचने के लिए या किसी भी द्वेष भाव से इस टाइप की रिपोर्ट निकाल देते हैं, फेक रिपोर्ट भी निकाल देते हैं। और मैंने तो कहा यहाँ पे तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो खुद ही रिपोर्ट निकालते हैं और खुद ही उसी शेयर, उसी कंपनी के शेयर बेच के पैसे कमाते हैं, तो इनका तो काम ही, उनका तो बिजनेस ही वही है। तो ये भी हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हों। हाँ, झूठ, अगर ये झूठ बोल रहे होंगे तो इस बार इनकी भी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। अगर अडानी ग्रुप इस बार खड़ा हो जाता है और अडानी ग्रुप सब कुछ साफ साफ प्रूव कर देता है कि नहीं भैया जो जो रिपोर्ट उन्होंने हमारे बारे में पब्लिश किया था ये सारी गलत हैं, तो इस ग्रुप का बंटाधार हो जाएगा, अगली बार से इसके रिपोर्ट पे कुत्ता सुसु नहीं करेगा, लोग पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए। पर अगर इसकी रिपोर्ट, अब तक ऐसा हुआ नहीं है, अब तक जिन जिन कंपनियों को इन्होंने टारगेट किया उसका बंटाधार कर दिया है, तो हो सकता है इस बार इन्हीं का बंटाधार हो जाए। हम तो यही चाहेंगे भैया कि इन्हीं का बंटाधार हो, ये कंपनी बच जाए, हमारे देश की इकॉनमी बच जाए, शेयर मार्केट क्रैश ना हो, जो रिटेलर इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा बच जाए, हम तो यही चाहेंगे, आप भी यही चाहोगे, हर कोई यही चाहेगा। हाँ, वो अलग पार्टियों को छोड़ दीजिए, पार्टियां तो भाई वो तो मतलब अलग ही पॉलिटिक्स करती हैं, उनको तो ज्यादा आपके पैसे वैसे से पड़ी नहीं है, उनको तो पड़ा है वोट से, ठीक है, उनको तो ये लगता है कि भाई जो अपोजिशन वाले हैं उनको तो ये लगता है कि डूबेंगे तो हम कहेंगे सरकार ने भगाया, सरकार ने डुबाया, सरकार ने पैसा दिया, हमारा 4 वोट बढ़ जाएंगे, पर ठीक है वो बात अपने जगह पे।
एक और आरोप लगता है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि जनरली मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं होगा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही प्रूव होगा, अगर फ्रॉड हो गया तब तो डूबना ही है ये, कि मतलब पीएसयू जो बैंक है वो अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा पैसा दे रखे हैं, जो कि आपने देखा कि इससे पहले शायद मैंने बताया था 35-40% के आसपास है जो टोटल अडानी ग्रुप का जो लोन है उसमें, बाकी पैसा उन्होंने बाहर से भी ले रखा है। अब देखो कोई भी आदमी, अब कहोगे कि 35-40% भी तो कम नहीं है ना, इतना पैसा तो बैंकों का ही जितना टोटल लोन है इनका उसमें से। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर ये किसी के साथ भी होगा यार। अब जैसे आप बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए, आप बैंक के पास गए, आपने आइडिया बताया बैंक को, आपका पहले से भी बिजनेस रिकॉर्ड है कुछ, बैंक को अच्छा लगा, बैंक कहा देखो भैया हम 1 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे पर आपको हम 70,000 दे सकते हैं, तो आपके आप जो दूसरा बिजनेस करना चाहते हो कितने का है, 1 करोड़ का है, बैंक ने आपको 70,000 रुपये दे दिए, आपने अपने 30,000 रुपया लगाया, बैंक ने आपको क्यों दिया, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, आप कंपनी चला रहे हो, ठीक चला रहे हो, प्रॉफिट कमाओगे, दे दोगे बैंक का, ज्यादा ही दोगे, ठीक है इंटरेस्ट के साथ, यहाँ पे बैंक ने प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको दे दिया। अब नया जो बिजनेस है अगर उसके इवेल्युएशन की बात करें तो वहां पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है पर उसमें तो 70,000 बैंक का है, मतलब मैक्सिमम पैसा तो बैंक का है। अब कोई तीसरा खड़ा होकर कहे कि भैया इस आदमी को बैंक ने ज्यादा पैसा दिया है, जो टोटल कंपनी है उसमें तो 70% बैंक का इन्वेस्टमेंट है भैया, तो इस टाइप के ब्लेम का कोई मतलब है? आप कहोगे भाई ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि किसी कंपनी में 70% स्ट्राइक बैंक का हो। हाँ नहीं होता है, यह होता भी है तो अलग अलग बैंक का होता है, मान लीजिए 10% उस बैंक का हो गया, 5% उस बैंक का हो गया, 20% उस बैंक का हो गया, इस तरीके से होता है, मान लीजिए 70 नहीं होगा, 50 होगा, 60 होगा, 40 होगा, व्हाट एवर दैट जो भी होगा, तो ये कह सकते हो ना कि एक चंक, एक बड़ा चंक जो है वो बैंक का है, तो ये जनरली होता ही होता है, क्योंकि कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो उसको पैसे चाहिए तो कहां से लेगा, बैंक से लेगा, आईपीओ निकालेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ निकालेगा, जो अभी अडानी ग्रुप ने निकाला था पर अभी सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके ऊपर ब्लेम लगा है, शेयर मार्केट कंटिन्यूअसली क्रैश हो रहा है, इनके शेयर ज्यादा क्रैश हो रहे हैं तो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अब वहां पे भी जो इंस्टीट्यूशनल आपके इन्वेस्टर हैं, जैसे कि LIC ने इसके बाद भी कहा है कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि LIC के भी इनमें कुछ 20-25% लगा हुआ है अडानी ग्रुप में और उनके भी इवेल्युएशन काफी कम हो गई। अब सोचो कि 25% के आसपास शेयर है LIC का, जो ये 6 कंपनियां या 7 कंपनियां लिस्टेड हैं अडानी ग्रुप की, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जब कंपनी ग्रोथ कर रही थी तो LIC ने पैसे भी कमाए, हाँ बिल्कुल सही है पैसे कमाए, पर अगर ये फ्रॉड आ जाता है तो जितने कमाए नहीं है उससे कई गुना ज्यादा या फिर सारा ही पैसा डूब जाएगा। और LIC में पैसा किसका होता है भाई, एक कॉमन मैन का, एक आम आदमी का, जो बेचारा इंश्योरेंस करा के घूम रहा है, उसकी क्या हालत होगी अगर ये फ्रॉड होता है, तो होप सो कि ना हो। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये फ्रॉड प्रूव हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट सबका नुकसान है, एक कॉमन आदमी से लेके शेयर मार्केट, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी आएगा, GST भी बढ़ेगी, मतलब एक कंपनी अगर डूबती है ना तो समझ लो कि चारों तरफ से ब्लंडर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो एक कंपनी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट और भी कई सारी कंपनी होंगी जिनसे इनका रिश्ता नाता, मतलब ये उनको कुछ सप्लाई करती होंगी, तो ये एक तरह से चैन की तरह लिंक होते हैं, और अगर एक चैन बेसिकली है ना, उसका एक लिंक टूट गया तो फिर चैन टूट जाता है, तो उस तरीके से ये कंपनी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके डूबेगी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, होप्स हो। और अगर थोड़ा बहुत है भी, जैसे वो टैक्स हेवन वेवन की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो होगा भी तो गवर्नमेंट या इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उसे पब्लिक डोमेन में नहीं आने देगी, क्योंकि अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है और ऐसा होता है कि ब्लंडर हुआ है ऐसा, तो फिर इन्वेस्टर का जो आप कह सकते हो भरोसा होता है हमारे मार्केट में, वो टूट जाएगा और लोग अपना पैसा विड्रॉल करने लगेंगे। चलो भारत के जो पैसे विड्रॉल होंगे या भारत के जो इन्वेस्टर वो पैसा अपना खींचेंगे तो वो हमारे इकोनॉमी में ही रहेगा, कहीं और लगाएंगे फिर से उस पैसा रिसाइकल होगा, कोई बात नहीं है। पर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका बहुत भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है और सब लोग ये मान के चलते हैं कि इनके टर्म्स जो सरकार के साथ हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये फ्रॉड प्रूव होगा तो एक ब्लंडर तो ये होगा कि भाई भारत की जो सरकार है वो करप्शन को प्रमोट करती है, मतलब वो एक ऐसे कंपनी को फ्लरिश करने देते हैं या होने देते हैं जो टोटली फ्रॉड कर रही है, और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इस कंपनी से तो निकालेंगे ही निकालेंगे, जो दूसरी कंपनीज हैं
उनमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दूसरे ग्रुप वालों ने वो भी निकालेंगे, तो मतलब आप ये मान के चलो, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर ये फ्रॉड होगा तो इंडियन मार्केट जो है कितना तेजी से क्रैश करेगी। मैं थोड़े से डरावने वर्ड यूज कर रहा हूं, पर भगवान ना करें ये हो, पर अगर ये फ्रॉड निकलता है तो मैं जो कह रहा हूं ये 100% सही होगा। बाकी वो जो टैक्स हेवन वन की बात है उससे कुछ खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बस बहुत बड़ा फ्रॉड ये ना हो जैसा कि वो रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि पूरी सेल कंपनी है, सब पैसा यहाँ का वहां डायरेक्ट किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस टाइप की अगर चीजें नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुश्किल होगा, और सरकार भी चाहेगी इसमें इंटरवीन करके कि भाई कुछ ऐसा निकले ना, अगर कुछ हो तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया जाए। क्योंकि एक बार इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर भागना शुरू कर गया ना, तो जो हम कहते रहते हैं ना कि FDI आया है, FDI आया है, वो सब चला जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चला जाएगा, और फिर मार्केट का क्या हाल होगा भगवान ही बचाए। तो ये रही हमारी एनालिसिस, हो सो कि ये सारा कुछ एक बुरा सपना की तरह हो और जैसे ही हमारी आंखें खुलें ये सपना टूट जाए और हमारा एक्चुअल में नुकसान ना हो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और अल्टीमेट आपका इस पूरे मैटर पे क्या ओपिनियन है आप वो भी लिख सकते हो। आपके पास कोई इनपुट है, कुछ खास खबर है, कुछ अलग सोचते हो तो जरूर लिखिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। जब तक लोग अवेयर नहीं रहेंगे तब तक इस टाइप की चीजें मार्केट में आती रहेंगी और जाती रहेंगी। लोग अवेयर होंगे तो कम से कम अपना पैसा तो बचा लेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।